YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यकीन करें कि बहुत खुशी होती है, और इससे भी बढ़कर खुशी जब होती है जब आप किसी लकीर का नाम लेकर हमसे सवाल करते हैं। तो हमें खुशी पता क्यों होती है? इसलिए होती है कि आप जो है ना, आप पामिस्ट्री काफ़ी हद तक समझने लग गए हैं। जो मेहनत, जो कोशिश हमने की आप लोगों को सिखाने की, उस कोशिश में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए और काफ़ी लकीरों के नाम आप समझने लग गए। उन पे कट, जजीरा, नुक्ते, दायरे वगैरह जो भी चीज़ें, वो आपको थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई। और इसी तरह मुस्तकिल अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ एक वक्त वो भी आएगा कि आप ख़ुद अल्लाह के फजल से माहिर पामिस्ट होंगे या होंगी, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और जो नंबर हमारा स्क्रीन पर आ रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप अपने हाथ की फ़ोटो भेज के कोई भी एक सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब हम बज़रिया यूट्यूब आपको मुफ्त देते हैं। तो आप कोई भी एक सवाल कर सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इसमें किसी की जनी बुराई नहीं है, न किसी का ऐब है। लोगों में ऐसी खामियां बेशुमार होती हैं, तो कुछ बीवियां भी ऐसी होती हैं जो ये समझ लें कि बेवकूफ़ होती हैं या जल्दबाज होती हैं, वो कदम उठा लेती हैं और बाद में उसका कितना बड़ा खुमाजा भुगतना पड़ता है उसके माँ बाप को या उसके शोहर को। तो ये मैं आपको आज वो हाथ बना के बता रहा हूँ, ये हाथ आप ज़रूर देखेंगे। अगर आपके हाथ में इस तरह की कोई अलामत है तो कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और सब्र तहम्मुल से काम करें तो आपके हक में बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं आज आपको वो हाथ बनाकर बताता हूँ जिसकी वजह से आपके घर वाले या शोहर को या माँ बाप को नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कोई इकदाम ना करें कि जिससे कल को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। अगर ऐसा है तो लकीरों ने कोई ठप्पा नहीं लगाया कि उसने पक्का कर दिया कि आप इससे हट नहीं सकते, कोशिश करके आप अपने आप को और अपनी शख्सियत को बदल सकते हैं और बदलना चाहिए भी। देखें, ये है ज़िंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर, ये दिल की लकीर, ठीक है। जिन हाथों में, यानी ख़ास तौर पे ख़वातीन के हाथों में दिल की लकीर इस तरह की होती है, इस तरह की लकीर अगर किसी हाथ में होगी तो ऐसी औरतें जो होती हैं या ऐसी लड़कियां जो होती हैं फौरी एतमाद कर लेती हैं किसी पर भी। किसी ने जो कह दिया इन्होंने मान लिया, जी ठीक है ऐसा है, ठीक है। उसके बाद इनकी और भी चंद निशानियाँ, लेकिन वो आगे चल के हम प्रोग्राम में बताएँगे, या हल्का सा आपको मैं क्यों दे देता हूँ। उनके जो नाखून होते हैं ना, नाखून ये जनी लंबी किस्म के होते हैं, यानी कि नाखून बड़ाए होते हैं, ऐसा नहीं होता। नाखून की किस्म जो होती है वो लंबी होती है। और दूसरा, जो अंगूठे का जो पैर होता है, ये जनी जैसे ये थिम का जो ना ये लंबा है ना, तो वो छोटा होता है। यानी जितना छोटा होगा उतना एक तो वैश्याना गुस्सा होगा, एक जल्दबाजी होगी, और दूसरा इनके हाथ में जो दिमागी लकीर है ना वो भी कोई ख़ास अच्छी लकीर जिसे हम कहें वो नहीं होगी। एक शाख इधर को जा रही होगी, एक शाख इधर को जा रही होगी, एक शाख इधर को जा रही होगी। ये मौसम के साथ साथ बदलते हैं। ये ऐसी ख़वातीन या ऐसी लड़कियां होती हैं जो मौसम के साथ साथ बदलती, कभी कहेंगी ये करना है, कभी कहेंगी वो करना है, कभी कहेंगी ये करना, कभी कहेंगी इस तरह, जनी उनकी लाइफ होती है। और दिल की बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, ठीक है। नाखून जो है उनके लंबूतरे किस्म के होते हैं, वहमी होती हैं, हर चीज़ पे वहम कर लेती हैं। और यही वो औरतें हैं जिनकी वजह से ये हमारे आमिल जो हैं, जो बैठे हुए तावीज़ गंडे करते हैं, ये कामयाब होते हैं। क्योंकि ऐसी औरत अगर इसके देखे इसके घर पे कौवा बोल रहा है तो फौरी किसी पीर साहब के पास जाएगी, जी हमारे घर पे रोज़ कौवा बोलता है, उसका क्या मतलब है? तो पीर साहब के लिए तो कारोबार हो गया। पीर साहब ने कहना है, जी ठीक है आपके घर पर कौवा बोल रहा है, ये अच्छा नहीं है, मैं तावीज़ देता हूँ, किसी ने भेजा है इसको, ये खुद नहीं आया, इसको किसी ने भेजा। या इनके घर में अगर खुदा ना खास्ता बिल्ली आ गई, या बिल्ली इनके घर आ गई और इन्होंने दो तीन बार चार बार भगाई और बिल्ली न भागी, तो ये फिर सोचेंगी ओ हो हम पे किसी ने कुछ कर दिया है। फिर ये किसी पीर या आमिल के पास जाएंगी तो जाके कहेंगी, जी हमारे घर पे एक बिल्ली है, वो जब आती है तो गोर गोर के मुझे देख रही होती है, ऐसा कर रही होती है, ऐसा कर रही होती। तो पीर साहब जो अपने आमिल हैं उनका तो कारोबार चमक उठा, उन्होंने कहा, जी बिल्ली बिल्ली नहीं है, ये कोई चीज़ है तुम्हारे ऊपर भेजी गई तुम्हारा घर तबाह करने के लिए। तो ये धनाधन पैसे, इसके शौहर बेचारा मेहनत मजदूरी करके
सारा दिन किस तरह करके पैसे इकट्ठे करके लाता है और ये दूसरे दिन जाके किसी आमिल या पीर या बुज़ुर्ग को जाके दे के आ जाती है कि भाई ये लो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और तो और मेरे पास एक खातून आती हैं तो वो उन्होंने मुझे एक बात की तो मुझे उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हंसी आई। वो मुझे कह रही हैं कि हमारे घर में चिपकली है ना, मैंने कहा हाँ, तो कह रही है चिपकली जो है ना वो मुझे घूरती रहती है, काफ़ी काफ़ी देर मुझे घूरती रहती है। तो मैंने कहा चिपकली तो आरे को घूरती है, जो उसको देखता है उसी को देख रही होती है। कह रही नहीं आप नहीं समझ रहे ना, वो चिपकली मुझे घूरती है, उस चिपकली के साथ और चिपकलियाँ आती हैं, सारी मिलकर मुझे घूर रही होती हैं। अरे मैंने कहा आप वहम ना करें, चिपकली हर एक को घूरती है। वो मुझे कहती मुझे पता है आपने कुछ करना नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, क्यों कि हो सकता है आपने ही वो चिपकली भेजी हो। तो मुझे उस पर बड़ी हंसी आई, मैंने कहा ठीक है कोई आमिल आमिल ढूंढो, उसको जाके बताओ, वो आपको बताएंगे क्या है। तो ऐसी औरतें वो होती हैं जो बेयकीनी की सी कैफियत की मालिक होती है। ये मैंने उनके हाथ का आपको बना, और किस्मत की लकीर पता है कैसे होती है, ये किस्मत की लकीर भी उनकी टूटी फूटी होती है। सारी ज़िंदगी ना वो कुछ बना सकती हैं, ना वो कुछ बन सकती हैं, ना ही वो शौहर के पैसे को जमा कर सकती हैं। इधर इनके शौहर ने 200 या 400 या 500 जितने भी लाए और सुबह इन्होंने जाके किसी आमिल को देकर आ जाने कि जी आज चिपकली घूर रही थी और कल हमारे घर में चूहा आ गया था, परसों हमारे घर पर कौवा बोल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। यही वो औरतें होती हैं जिनकी वजह से ये आमिल गाड़ियों में और बंगलों में बैठे हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके किसी अजीज़ के किसी के हाथ में गिर ऐसी लकीर है तो उसको गाइड करने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें, और यकीन करें इनको अगर समझाएं ना तो इनकी समझ में भी आने वाली बात है, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट भी एक वीडियो करूँगा बहुत बड़ी, जिसमें इनके मैं नाखून के जो मैंने आपको बोला कि बहुत लंबे किस्म के होते हैं, तो कुछ हमारे लोग ये समझते हैं कि उनको नाखून लंबे लंबे रखें, लंबे नाखून रखना तो लोगों का आजकल फैशन हो गया, ये नाखूनों की किस्म लंबी होती है। और दूसरा अंगूठा छोटा आपने किसी का देखा तो आपने समझ नहीं, ऐसा नहीं, अंगूठा जिन्हें छोटा होना जल्दबाज और इसका गुस्सा वेशियाना इस तरह और बात बात पे लड़ाई झगड़े दंगा फसाद करना ये चीज़। तो प्यारे दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, तो शुरू करते हैं सवाल जवाब। सबसे पहला जो सवाल हमें भेजा है सज्जल ने भेजा है गुलबर्ग से, शादी कब होगी, पसंद की होगी या नहीं? मेरी लाइफ शादी कब होगी, पसंद की होगी या नहीं? आपकी शादी पसंद की होती हुई मुझे नज़र नहीं आती, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी। और अगला सवाल किया संगीन ने अटक से, मेरी लाइफ स्टडी स्टैंडर्ड कब से बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा लाइफ स्टैंडर्ड कब से अच्छा हो जाएगा? सकलेन साहब ने सवाल किया अटक से, मेरा लाइफ स्टैंड कब तक अच्छा होगा? लाइफ स्टाइल इन्होंने बोलने की कोशिश की है लेकिन ना इंग्लिश बोली है, ना हिंदको बोली है और ना ही उर्दू बोली है। तो प्यारे दोस्त, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और अल्लाह के फजल से आगे भी आपका आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। 2020 आपके लिए बहुत अच्छा है, 2020 में जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद सवाल किया है रियाज अहमद लाशारी ने लाड़काना से, 12 साल हो गए हैं शादी को, औलाद नहीं हुई, कब होगी? देखें औलाद के लिए बहुत से लोगों में सवाल भेजते हैं कि ऐसा, तो अगर औलाद के लिए अगर आपने पूछना है औलाद नहीं हो रही तो आप अपनी बीवी के हाथ की फ़ोटो भेजा करें और अपने हाथ की फ़ोटो भेजें ताकि पता चले कि कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कुछ नहीं बता पाते कि औलाद कब होगी कब नहीं होगी, ठीक है। आपका जो हाथ आपने भेजा है उसके हिसाब से तो अल्लाह के फजल से आपके हाथ में औलादों की लकीरें मौजूद हैं। उसके बाद अगला सवाल किया है आशा ने दीना से सवाल किया है आशा ने, शादी कब होगी, पाकिस्तान में होगी या बाहर होगी? आपकी शादी पाकिस्तान में होगी और धूम धड़के से होगी। उसके बाद सवाल किया रीमा ने कराची से, तलाक तक नौबत पहुंच गई है, आगे की ज़िंदगी कैसे होगी? तलाक तक नौबत न ले जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वक्त इस वक्त बहुत अच्छा है और ये 3 साल आपके लिए बड़े अहम हैं, 2020 2021 2022 ये आपकी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं, इसमें अपने आप को किसी परेशानी में न डालें। उसके बाद सवाल किया नाजिश ने गुजरात से,
शादी की ज़िंदगी अच्छी नहीं जा रही, क्या शादी आगे चल सकेगी? बिल्कुल चलेगी, कोशिश आपने करनी है, हिम्मत करनी है, रहमत अल्लाह करेगा और इंशाल्लाह आपकी शादी चलेगी, टूटने की कोई अलामत नज़र नहीं आती। अगला सवाल किया वकार परवेज़ ने, शादी पाकिस्तान में होगी या बाहर होगी, कामयाब रहेगी या नहीं? मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इन्होंने सवाल किया। आपकी शादी इंशाल्लाह कामयाब होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी होगी और शादी पाकिस्तान में ही कामयाब रहेगी। अगला सवाल किया है नईम ने, जगह नहीं लिखी, नईम ने सवाल किया है, इन्होंने लिखा है मंडी बावलदीन से, मेरे हाथ में बच्चों की लकीरें हैं। जी बिल्कुल, आपके हाथ में 4 से 5 बच्चों की लकीरें मौजूद हैं। अगला सवाल किया है सनम ने सरगोधा से, क्या मेरी शादी कामयाब होगी? इंशाल्लाह लजीज़, आपकी शादी बहुत 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 कामयाब होगी। अगला सवाल क्या है आमिर अली ने, मेरी शादी पसंद की होगी या नहीं? आपकी शादी पसंद की होती हुई आमिर भाई नज़र नहीं आती, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और ख़ानदान में होगी। अगला सवाल किया है मोहम्मद इरफान ने, डीजी खान से, मैं दुबई में हूँ और मेरा काम में दिल नहीं लगता, रेशमा का वो गाना तो आपने कहीं नहीं सुन लिया कि हाय और रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, ऐसे तो नहीं है ना प्यारे दोस्त। बहुत अच्छा वक्त है, बहुत बेहतर वक्त है, इसमें रेशमा का सॉन्ग मत गाएं, मेहनत करें, अपने आप को बनाएं, ये चांस है, ये बार बार आपको नहीं मिलेगा। अगला सवाल किया रुबीना अख्तर ने रावलपिंडी से, दूसरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी, दूसरी शादी भी लव मैरिज के चक्कर में अपने आप को ख़राब मत करें, शादी अरेंज मैरिज होगी और इंशाल्लाह अच्छी होगी। अगला सवाल फजल ने किया है मर्दान से, मेरे हाथ में दौलत कम है या ज़्यादा? आपके हाथ में दौलत ना कम है ना ज़्यादा, बहरहाल आपके मुकद्दर में और आपकी किस्मत में बेहिसाब दौलत है और इंशाल्लाह लजीज़ 2020 आपके लिए बहुत अच्छा साल होगा और इंशाल्लाह दौलत भी आएगी और कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।